आईपीएल 2024 की शुरुआत 23 मार्च से बड़ी है और पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच में होगा। जैसे सबने बेरो की हर एक आईपीएल टीम के कप्तान होने सके सके एक हेड कोच भी हुए, तो आज के इस वीडियो में थन सबकी सब देश टीम के हेड कोच के बारे में बताऊं। सबसे पहले बात करा केकेआर के कोच के बारे में, तो केकेआर का जो कोच है वो है चंद्रकांत पंडित। अगले नंबर दो पर लखनऊ सुपर जायंट का जो कप्तान है वो केएल राहुल और इस टीम को जो हेड कोच है वो जस्टिस लेगर जो कि ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी हो। नंबर तीन पर बात करें मुंबई के बारे में, तो मुंबई को जो कप्तान है वो इस बार हार्दिक पांड्या ने बना दिए हुए हैं और मुंबई की टीम को जो कोच है वो है मार्क बाउचर। नंबर चार पर बात करें पंजाब किंग्स के बारे में, तो पंजाब किंग्स को जो कप्तान है वो है शिखर धवन और जो टीम को जो कोच बनाए हुए हैं वो इंग्लैंड को ट्रेविस बेरिस। नंबर पांच से बात करें राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो राजस्थान रॉयल्स को जो कप्तान है वो सुनील सैमसंग है और इस टीम को जो हेड कोच है वो श्रीलंका को कुमार संगकारा। नंबर छह के बारे में बात करें तो आरसीबी की टीम जिसको कप्तान अभी फाफ डुप्लेसी है और इस टीम को जो कोच है वो टीम इंडिया को कोच यानी संजय बांगर है। नंबर सात की टीम के बारे में बात करें तो वह टीम है हैदराबाद टीम और हैदराबाद टीम को जो कप्तान है वो है एडम मार्करम और टीम को जो कोच है वो है डेनियल विक्टोरी। अब अगर नंबर आठ के बारे में बात करें तो नंबर आठ में है दिल्ली कैपिटल की टीम और इस बार उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल की टीम को कप्तान ऋषभ पंत वापसी कर सके। और ऋषभ पंत के अलावा बात करें टीम के हेड कोच के बारे में, तो टीम को जो हेड कोच है वो है रिकी पोंटिंग। अब नवी टीम के अगर बारे में बात करें तो बैक गुजरात टाइटल्स। गुजरात टाइटल्स इस बार हार्दिक पांड्या ने मुंबई के पास में रिटेन कर दिए, तो अब गुजरात टीम को जो नया कप्तान है वो होगा शुभम गिल और ये टीम को जो कोच है वो इंडिया को आशीष नेहरा। नंबर दस पर अगर बात करें सीएसके टीम के बारे में, तो सीएसके जो कप्तान है वो तो माही यानी एमएस धोनी उबाल रही है, तो कोई शक है ही, लेकिन जो सीएसके टीम को जो हेड कोच के बारे में अगर बात करें तो सीएसके टीम को हेड कोच एक बार फिर से स्टीवन फ्लेमिंग ने बनाए हुए हैं। तो यही सब 10 टीम का हेड कोच और बाकी कप्तान। तो उम्मीद करूं कि आज जो वीडियो था वो अच्छा लगे होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो और वीडियो शेयर भी करियो।